अब हम कर रहे हैं इंसर्ट टैब के अंदर, ये देखिए आपकी हेडर एंड फुटर जो दिया हुआ है इसके अंदर हम हेडर पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके ये नीचे लिखा मिलेगा एडिट हेडर, उस पर आप क्लिक कर दीजिए सीधा, तो आपके डॉक्यूमेंट में ये जो ऊपर हेडर का स्पेस होता है मार्जिन के अंदर, ये आपका आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करके कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को जो भी हेडर आप देना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ दिया कंप्यूटर, ठीक है, तो हमने क्लिक किया, बाहर डबल क्लिक कर दो तो ये आपका हेडर है, ये हर पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए आपके हर पेज पे हेडर आपको दिखाई देगा। इसी तरह इंसर्ट टैब के अंदर आपके इसी के साथ दिया हुआ है, इंसर्ट टैब में हेडर के साथ फुटर दिया हुआ है, ठीक है। फुटर में आप एडिट फुटर पर क्लिक कर दीजिए डायरेक्ट, और देखिए आप डॉक्यूमेंट में आपके फुटर का जो स्पेस होता है मार्जिन के अंदर वो फिक्स होता है, तो उसके अंदर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आप कोई भी फुटर दे सकते हो, इसमें आप पेज नंबर देना चाहो तो ये देखिए इंसर्ट के अंदर हेडर एंड फुटर में यहाँ से पेज नंबर भी आप इंसर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करिए। आप पेज में देखिए बॉटम ऑफ द पेज में नंबर डालना चाहते हो, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, तो जैसे आपकी मर्जी है आप जैसे देना चाहते हो। ये आपका डायलॉग बॉक्स आएगा बॉटम ऑफ द पेज के अंदर, और आप इसमें जैसे मैंने यहाँ ये क्लिक किया सेंटर के अंदर आपकी पेज नंबर इंसर्ट हो जाए, तो देखिए हर डॉक्यूमेंट के फुटर के अंदर आपके पेज नंबर इंसर्ट हो गए हैं। जैसे ये सेकंड पेज है तो ये सेकंड है, ठीक है, और बाहर डबल क्लिक कर दीजिए खाली स्पेस में, ये आपका हेडर और फुटर इंसर्ट हो गया।